Hello, dear students. Hopes you are enjoying good health. So, आज dear students, हम discuss करेंगे कि अगर आप सऊदी आरामको के किसी प्रोजेक्ट में इंटरव्यू देने जाते हैं सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो उस इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ज़्यादा मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इनको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिगर। रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सो रिगर कौन होता है? जब भी हमने लिफ्टिंग करवानी होती है तो हमें रिगर की जरूरत पड़ती है। रिगर बेसिकली सिग्नल मैन होता है, ठीक है, जिसने सिग्नल देना होता है, लोड किस एंगल पे उठाना है, किस तरह उठाना है, या लोड को बांधना, लोड को सिक्योर करना, या जो लिफ्टिंग गियर्स होते हैं या रिगिंग में जितनी भी चीजें होती हैं, स्लिंग्स होती हैं, क्लैंप्स होते हैं, पुलीज होती हैं, इन सारी चीजों की इंस्पेक्शन करना। सो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रिगर की। फिर हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फायर अलार्म सिस्टम, फायर प्रिवेंशन सिस्टम एंड फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम क्या है? डिटेक्टर्स होते हैं जो फायर को डिटेक्ट कर लेते हैं, अगर आग लग जाए तो वो अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर फायर प्रिवेंशन क्या है? फायर प्रिवेंशन क्या है? आग से बचने के तरीके। जिस तरह फायर अलार्म सिस्टम है, ये फायर प्रिवेंशन का हिस्सा है, ठीक है, जब आग लगेगी तो ऑटोमेटिकली अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह फायर फाइटिंग जो है, ये भी फायर प्रिवेंशन का, ये भी फायर प्रिवेंशन के लिए एक तरीका है, प्रोसीजर है फायर फाइटिंग सिस्टम। जिस तरह के फायर एक्सटिंगशर्स होते हैं, अगर आग लग जाए तो हम उसको बुझाते हैं। तो फायर अलार्म सिस्टम एंड फायर फाइटिंग सिस्टम आर पार्ट्स ऑफ फायर प्रिवेंशन सिस्टम। ये दोनों किसके पार्ट हैं? फायर प्रिवेंशन के। फायर प्रिवेंशन मीन आग से बचने के लिए जो हम प्रोसीजर्स करते हैं। फिर हमारे पास है, सेफ्टी कंट्रोल मेयर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स के अगर हमने कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसके लिए जारी बात है किसी व्हीकल के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो उसके लिए कंट्रोल मेयर्स कौन कौन से हैं? तो उसके लिए कंट्रोल मेयर्स ये हैं कि जो व्हीकल ड्राइवर ड्राइव करेगा, तो ड्राइवर जो होगा वो ट्रेंड होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए। फिर पार्किंग एरियाज होने चाहिए, स्पीड लिमिट हमने सेट करनी है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, स्पीड लिमिट सेट करनी है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी, ठीक है, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो रिस्क भी ज़्यादा होगी। फिर व्हीकल पेडिस्ट्रियंस जो रूट्स हैं वो हमने अलग अलग बनाने हैं, ठीक है, सेग्रीगेशन करनी है, सेपरेट करने हैं। फिर रोड्स जो होते हैं उन पर प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हाई विजिबल क्लॉथिंग, इस तरह के सारे कंट्रोल्स जो हैं वो होने चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर हमारे पास, व्हाट शुड बी कंसीडर व्हाइल डेवलपिंग इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। जब भी हम इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसीडर करनी चाहिए? तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेआउट ऑफ वर्क प्लेस, नेचर ऑफ इमरजेंसी, जियोग्राफिक लोकेशन हो गया, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हैजर्ड एंड रिस्क लेवल, वहाँ पे हैजर्ड क्या है, रिस्क लेवल कितना है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ एग्जिट रूट्स कितने हैं, असेंबली पॉइंट्स जो है वो कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वाइल डेवलपिंग इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। फिर हमारे पास है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ COSHH? होश होश स्टैंड फॉर कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हैजर्डियस टू हेल्थ। मुख्तलिफ सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते, जिस तरह के एस्बेस्टॉस है जिससे कैंसर हो सकता है, ठीक है, इस तरह के जितने भी सब्सटेंस हैं उनको हमने क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो कॉज स्टैंड फॉर कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हैजर्डस टू हेल्थ। फिर हमारे पास है, एक्सप्लेन द हैजर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। हैजर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? हैजर्ड कम्युनिकेट करना, अपने लोगों को बताना कि हमारी कंपनी में ये हैजर्ड हैं और ये इसकी प्रिकॉशंस हैं, ताकि कंपनी में एक्सीडेंट ना हो, इंसीडेंट ना हो, लोगों को पता हो सारी चीज़ों के बारे में, लोगों को अवेयरनेस हो कि अगर कोई भी केमिकल यूज़ करना है किस तरह करना है, उसका प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, ताकि कोई भी इंसिडेंट ना हो वर्क प्लेस पे। फिर हमारे पास है, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कैफोल्ड स्कैफोल्ड इरेक्टर। स्कैफोल्ड इरेक्टर कौन होता है? जो स्कैफोल्डिंग लगाता है, इंस्टॉल करता है, उसे हम कहते हैं स्कैफोल्ड इरेक्टर। फिर इंस्पेक्टर एंड सेफ्टी ऑफिसर अबाउट स्कैफोल्डिंग रिगार्डिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये मुख्तलिफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये लिखी हुई हैं जो आपने याद कर लेनी है। जिस तरह के स्कैफोल्डिंग इरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए। फिर जो इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्शन करेगा स्कैफोल्डिंग की, स्कैफोल्डिंग जो है वो सेफ टू यूज़ है या नहीं है। फिर
जो सेफ्टी ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो चेक करेगा कि जो स्कैफोल्डिंग की इंस्पेक्शन हुई है वो सर्टिफाइड इंस्पेक्टर ने की है या नहीं की। जो इंस्पेक्टर होगा जो इंस्पेक्शन करेगा वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए। फिर हमारे पास है विच फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग डेवलपिंग ऑफ अवैकुएशन प्लान। जब हमने अवैकुएशन प्लान बनाना है तो कौन कौन से फैक्टर हमने कंसिडर करने हैं। हम देखेंगे कितने लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, साइज ऑफ प्लांट देखेंगे, असेंबली पॉइंट्स, रेस्क्यू मेथड, एवैक्यूएशन रूट्स कौन कौन से हैं, अच्छा रिस्पॉन्सिबल बंदे कौन कौन से हैं वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल हैं, नॉमिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, फिर एमरजेंसी एग्जिट डोर्स, ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम कंसिडर करेंगे जब हम अवैकुएशन प्लान बनाएंगे। क्योंकि लोगों को हमने बिल्डिंग से अवैकुएट करना है तो ये चीज़ें हम कंसिडर करेंगे तो ये प्रॉपर हम प्लान डेवलप कर सकते हैं अवैकुएशन का। फिर हमारे पास है व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस कहते हैं कोई भी बंद जगह जहाँ पे वेंटिलेशन का मसला हो, जहाँ पे हवा के अंदर आने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता तंग हो, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, उसे हम क्या बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। फिर हमारे पास है व्हाट आर द LEL एंड UEL। LEL क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल, और UEL क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल विच कैन बर्न। मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल विच कैन बर्न इज नाउन एज LEL, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल विच कैन बर्न इज UEL, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। सो हर फ्यूल की अपनी LEL होती है, UEL होती है। यहाँ पे जो मिथेन गैस है और हाइड्रोजन है उसकी LEL और UEL की वैल्यू गिवन है। फिर हमारे पास है व्हाट इज JSA। JSA क्या होता है, JSA जिस तरह एक रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट होता है, इस तरह एक JSA होता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। उसमें स्टेप बाय स्टेप हम हैजर्ड देखते हैं, उस हैजर्ड के साथ जो रिस्क इन्वॉल्व होती है वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसको जो हमारी जॉब होती है उसको हम स्टेप्स में ब्रेक करते हैं, फिर उसके साथ देखते हैं कौन कौन से मुख्तलिफ स्टेप्स के साथ हैजर्ड्स हैं, फिर उनके रिगार्डिंग हम कंट्रोल मेयर्स सजेस्ट करते हैं ताकि इंसिडेंट ना हो। फिर हमारे पास रहता है प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस, रिस्क असेसमेंट क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम बनाते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो इसके 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, फिर कौन कौन से लोग हैं जिनको नुकसान पहुंच सकता है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम रिस्क को अवेलुएट करेंगे और सेफ्टी प्रिकॉशंस डिसाइड करेंगे, फिर जो रिकॉर्ड दी फाइंडिंग्स, जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं वो हम रिस्क असेसमेंट की नोट करेंगे, फिर रिव्यू द रिस्क असेसमेंट। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये है कि अगर आज वाले दिन रिस्क असेसमेंट बनी है तो 1 साल के बाद आज वाले दिन हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेंगे। अगर इस अरसे के दौरान कोई इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर भी हम रिस्क असेसमेंट को अपडेट करेंगे, क्योंकि रिस्क असेसमेंट बनाई जाती है एक्सीडेंट से बचने के लिए। अगर एक्सीडेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है, रिस्क असेसमेंट इनवैलिड हो। फिर हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जब हमने एक्सकवेशन करवानी होती है तो पहले हम सॉइल की टाइप देखते हैं, उसके लिहाज से हमने एंगल वगैरह सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। जिस तरह के हमारे पास टाइप ए सॉइल है, टाइप बी है, टाइप सी है, मुख्तलिफ ये टाइप्स होती हैं सॉइल की। फिर हमारे पास है व्हाट इज शोरिंग बेंचिंग एंड स्लोपिंग। शोरिंग बेंचिंग स्लोपिंग ये एक्सकवेशन के इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं। जिस तरह के एक्सकवेशन में केव इन हैजर्ड होता है, एक्सकवेशन के साइडें जो हैं वो टूट सकती हैं, तो उससे बचने के लिए, केव इन हैजर्ड से बचने के लिए हम बेंचिंग स्लोपिंग शोरिंग करते हैं। और इसमें फिर ये एंगल्स लिखे हुए हैं किस एंगल पे एक्सकवेशन करनी है। जिस तरह की सॉइल होगी उस तरह का हमने एंगल चूज करना है। जिस तरह के स्टेबल रॉक है 90 डिग्री पे हम एक्सकवेशन करेंगे, अगर टाइप ए है तो फिर 53 डिग्री है, फिर अगर टाइप बी है 45 पे हम करेंगे एक्सकवेशन, अगर टाइप सी है तो फिर 34 पे। फिर हमारे पास है इन विच सिचुएशन द कन्फाइंड स्पेस विल बी अप्लाई ऑन एक्सकवेशन। जब भी एक्सकवेशन की जो डेप्थ है वो 4 फीट हो जाए, अगर 4 फीट डेप्थ हो जाए एक्सकवेशन की, तो उस एक्सकवेशन को हम कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करते हैं। फिर हमारे पास सेफ्टी कंट्रोल मेयर्स फॉर कन्फाइंड स्पेस। अगर हमने कन्फाइंड स्पेस में काम करवाना है कौन कौन से कंट्रोल्स होने चाहिए। एक तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका लेवल प्रॉपर होना चाहिए, फिर वेंटिलेशन होनी चाहिए, फिर हम एटमोस्फेरिक टेस्टिंग करवाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कितना है, या डेंजरस गैसेस जो है अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोक्साइड, इन गैसेस की कंसंट्रेशन देखेंगे, लाइटनिंग लक्स लेवल देखेंगे, JSA, रिस्क असेसमेंट,
इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग कन्फाइंड स्पेस। फिर हमारे पास है सेफ्टी मेयर्स ऑफ फोर्क लिफ्टर। फोर्क लिफ्ट जो ट्रक होता है उसके सेफ्टी कंट्रोल्स कौन कौन से हैं। एक जो ऑपरेटर है वो सर्टिफाइड होना चाहिए और प्री यूज इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होनी चाहिए। डेली हमें वो फिल करनी चाहिए, इंस्पेक्शन करनी चाहिए फोर्क लिफ्ट की। फिर फ्लैग मैन होना चाहिए जो सिग्नल देगा फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर को। फिर वार्निंग लाइट्स, अलार्मिंग सिस्टम, अरेंजमेंट्स ऑफ एडिक्वेट लाइटनिंग, लाइटनिंग वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। फिर हमारे पास है हो मैनी वेज ऑफ लिफ्टिंग। देर आर थ्री वेज ऑफ लिफ्टिंग। एक मैनुअल लिफ्टिंग है, अगर मैनुअली हम बाई हैंड लिफ्टिंग करते हैं। फिर सेमी ऑटो लिफ्टिंग है, फिर ऑटो लिफ्टिंग है हमारे पास। फिर हमारे पास है हो यू कैन कंट्रोल द रिस्क इन मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग की जो रिस्क है उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स के जो भी चीज़ें हम मैनुअली कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस कर देंगे। जिस तरह कोई चीज़ हम उठा के लेके आ रहे हैं, वो कन्वेयर बेल्ट अगर लगी हो, कन्वेयर बेल्ट पे हम चीज़ें रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो आगे पहुंचा देगा। ठीक है, इस तरह हम मैनुअल हैंडलिंग की जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। प्रॉपर वहाँ पे लाइटनिंग होनी चाहिए या रिस्क असेसमेंट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हम बनाएंगे मैनुअल हैंडलिंग का। फिर एज अ सेफ्टी ऑफिसर हो यू कैन मेक सेफ द मूवमेंट ऑफ लोडिंग ट्रक ट्रेलर। तो इसके लिए जो ड्राइवर है ऑपरेटर है वो ट्रेंड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड फ्लैग मैन होना चाहिए और हमने स्पेसिफिक रूट जो है वो डिज़ाइन करने हैं लोडिंग ट्रक के लिए। फिर व्हाट इज मीन ऑफ वर्क परमिट। वर्क परमिट क्या होता है, कोई भी काम अगर हमने करना है जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसके लिए हम परमिट लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं वर्क परमिट। उस परमिट के ऊपर सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंशन होती हैं कि हमने किस तरह सेफली काम करना है। इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हार्ड वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, ये मुख्तलिफ टाइप्स यहाँ पे मेंशन है। फिर हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय लोटो। लोटो स्टैंड फॉर लॉक आउट टैग आउट। ये जब भी हमने कोई मेंटेनेंस का काम करना होता है तो हम मशीनरी को शट ऑफ करते हैं, बंद करते हैं और ऊपर लोटो अप्लाई कर देते हैं ताकि जब तक मेंटेनेंस का काम कंप्लीट ना हो जाए कोई भी डेंजरस मशीनरी को बंदा ऑपरेट ना करे। फिर हमारे पास है IDLH ऑफ ऑक्सीजन। IDLH स्टैंड फॉर इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। ऑक्सीजन की कितनी अगर वैल्यू हो तो वो हमारी लाइफ के लिए डेंजरस है। ऑक्सीजन की लिमिट अगर 19.5% से कम है तो ये हमारी लाइफ के लिए खतरनाक है, क्योंकि मिनिमम 19.5% ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। फिर व्हाट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है, अनप्लैंड अनवांटेड इवेंट है जिसमें या जो प्रॉपर्टी हमारी है वो डैमेज होगी या कोई की पर्सनल जो कंपनी का वो इंजर्ड हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। फिर व्हाट इज इंसिडेंट। इंसिडेंट के अनवांटेड अनप्लैंड इवेंट है जिसमें हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या हमारी कंपनी के जो लोग हैं वो जख्मी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और फिर हमारे पास है व्हाट इज नियर मिस। नियर मिस क्या होता है, अनप्लान अनवांटेड इवेंट है जिसमें पोटेंशियल होता है हमें नुकसान पहुंचाने का पर हकीकत में वो चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, उसे हम नियर मिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट से कोई चीज़ नीचे गिरी है वो हमें नहीं लगी, वो साइड पे गिर गई है, तो ये क्या हो जाएगी नियर मिस। अगर वही चीज़ हमें लग जाती तो हमने इंजर्ड हो जाना था, तो ये बन जाना था एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नियर मिस ये दोनों इंसिडेंट की टाइप्स हैं। फिर हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ इंसिडेंट। कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है उसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करना है, हम एरिया बैरिगेट कर देंगे जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, फिर एविडेंस कलेक्ट करेंगे, फोटोज लेंगे, पिक्चर्स लेंगे, फिर वहाँ पे जो विटनेसेस थे उनका इंटरव्यू लेंगे, उनको गैदर करेंगे और फिर फाइनल रिपोर्ट जो है वो हम इस्टेब्लिश करेंगे। फिर हमारे पास है व्हाट इज इमीडिएट कॉज एंड रूट कॉज। कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी दो मेन वजूहत होती हैं, एक होती हैं इमीडिएट कॉजेज और दूसरी होती हैं रूट कॉजेज। इमीडिएट काजेज होती हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से, और रूट काजेज होती हैं मैनेजमेंट फेलियर की वजह से। जिस तरह मैनेजमेंट ने ट्रेनिंग नहीं दी, मैनेजमेंट ने रिस्क असेसमेंट नहीं इंप्लीमेंट की, कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी नहीं बनाई, तो वो सारी रूट काजेज में आ जाती हैं जो कि मैनेजमेंट के फेलियर्स होते हैं। फिर हमारे पास है व्हाट आर द रीजंस ऑफ नियर मिस इन्वेस्टिगेशन। नियर मिस की इन्वेस्टिगेशन क्यों करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए ताकि ये नियर मिस आगे किसी एक्सीडेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। जिस तरह कि अगर हमने कोई गलती की है तो नियर मिस हुई है ना, तो वो हम चीज़ें इम्प्रूव करेंगे ताकि फ्यूचर में ये नियर मिस जो है ये एक्सीडेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर हमारे पास व्हाट इज मीन बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, लोगों को मोटिवेट करना, उनको इंसेंटिव्स देना, उनकी हौसला अफजाई करना कि आपने सेफली काम करना है, अगर आप सेफली काम करेंगे तो आपको बोनसेस मिलेंगे। सिंपली के लोगों को हम मोटिवेट करेंगे रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी।
फिर हमारे पास है हो मेनी टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, जो हम लिफ्टिंग करवाते हैं उसके मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, सिंपल लिफ्टिंग या लाइट लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग। फिर हमारे पास व्हाट इज आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब है जितनी भी एनर्जी के सोर्सेज होते हैं उनको हमने डिस्कनेक्ट कर देना है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम वो चीज़ इलेक्ट्रिकसिटी पे ऑपरेट होती है, तो हम इलेक्ट्रिकसिटी की जो सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। जो सप्लाई हम बंद कर देंगे उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। कोई भी एनर्जी सोर्स हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं, खत्म करते हैं, रिमूव करते हैं, उसे हम आइसोलेशन कहते हैं। फिर हमारे पास है एक्सप्लेन दी प्रोजेक्ट एचएसई प्लान। एचएसई प्लान क्या होता है, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का एक प्लान होता है जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं कि हमने एक्सीडेंट से किस तरह बचना है, किस तरह सेफली काम करना है, अगर हाइट पे एक्टिविटी होगी किस तरह होगी, रिस्क असेसमेंट या परमिट टू वर्क सिस्टम, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं एचएसई प्लान में कि हमने सेफली काम किस तरह करना है। फिर व्हाट इज पर्पज ऑफ स्कैफोल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन, स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म है जिसपे खड़े होकर हम हाइट पे काम करते हैं, कोई रिपेयरिंग का काम करना है, क्लीनिंग का काम करना है या मेंटेनेंस का काम करना है, इस तरह के सारे काम हम स्कैफोल्डिंग पे खड़े होकर करते हैं। ये एक टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म होता है हाइट पे काम करने के लिए। फिर हमारे पास है सेफ्टी मेयर्स ऑफ मेंटेनेंस वर्क इन इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। अगर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पे हमने काम करना है मेंटेनेंस का, तो उसके लिए कौन कौन सी कंट्रोल्स हैं, जिस तरह परमिट टू वर्क पीटीडब्ल्यू होना चाहिए हमारे पास। फिर लोटो अप्लाई करेंगे, एनर्जी के सोर्सेज जो आइसोलेट करेंगे, फिर इंसुलेटेड पीपीज यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स या इलेक्ट्रिकल ग्लव्स जो होते हैं इंसुलेटेड वो यूज करेंगे। फिर हमारे पास व्हाट इज मीन बाय ग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी, ग्राउंडिंग क्या होती है, सिंपली जो भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकसिटी पे ऑपरेट करता है उसके साथ हमें एक वायर कनेक्ट करके नीचे जमीन में वो लगा देते हैं, ताकि अल्लाह ना करे अगर अर्थ लीक होता है, अर्थ लीकेज होती है, तो वो करंट हमें नहीं लगेगा, वो सारा करंट जमीन में चला जाएगा। फिर हमारे पास है व्हाट इज फायर, फायर क्या है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन फ्यूल कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। फिर हमारे पास है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट होता है उसके मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जो 5 मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, या लिक्विड वेस्ट हो सकता है, सॉलिड वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, या रिसाइकल्ड रबिश एंड हैजडियस वेस्ट। फिर हमारे पास है व्हाट इज इलेक्ट्रोक्यूशन एंड व्हाट इज शॉक, शॉक क्या, तो सिंपल बिजली के साथ आप लग गए, सडन आपको पता नहीं था तो आपको करंट लगेगा, उसे हम बोलेंगे शॉक। अगर उस करंट की वजह से आपकी डेथ हो जाती है, आप इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन। फिर हमारे पास है व्हाट डू यू नो अबाउट एलटीटी, एलटीटी क्या, आइसोलेशन प्रोसीजर है एनर्जीज जो है उनको रिमूव करने का। फिर हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय मोनोटोनियस वर्क, मोनोटोनियस वर्क कौन सा होता है, मोनोटोनियस वर्क हम कहते हैं बोरिंग वर्क, मीन्स के एक ही काम बार बार, मतलब चेंज नहीं हो रहा रूटीन में, रेगुलरली वो एक काम बार बार हो रहा है, उसे हम मोनोटोनियस वर्क बोलते हैं, या इसे हम कहते हैं ये वर्क क्या है, बोरिंग है या मोनोटोनियस है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। फिर व्हाट इज मीन बाय पेल, पेल स्टैंड फॉर परमिएबल एक्सपोजर लिमिट, कोई भी सब्सटेंस हो हैजडियस, उसके कुछ लिमिट हमें लो होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, परमिएबल एक्सपोजर लिमिट। फिर व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी क्या होती है, कोई भी इवेंट हो जाए जिसके लिए इमिडिएट एक्शन रिक्वायर्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी। फिर व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिस तरह के क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के। फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग, अगर फायर को हमने बुझाना है तो उसके कौन कौन से मैकेनिज्म है, एक कूलिंग है, एक स्मूथिंग है, जिस तरह के कार्बन मोनोक्स, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे पाउडर टाइप हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, वो क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, जिसे हम स्मूथरिंग कहते हैं। फिर स्टारवेशन है, स्टारवेशन ये होती है कि हम फ्यूल की जो सप्लाई है उसको हम रोक दें, क्योंकि फ्यूल ऑक्सीजन और टेम्परेचर चाहिए होता है आग लगने के लिए, अगर इन तीनों में से एक चीज भी हम रिमूव कर दें तो आग बुझ जाएगी। स्टारवेशन का मतलब क्या है, जो फ्यूल की सप्लाई है उसको हम रोक दें। फिर हमारे पास है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेएसए एंड रिस्क असेसमेंट, ये पीछे हम पढ़ के आए हैं, जेएसए स्टैंड फॉर जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो होता है वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के रिलेटेड होता है, उस एक्टिविटी के हम जो स्टेप्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उनके साथ जो रिस्क इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं, और जेएसए में रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया जाता, जबकि रिस्क असेसमेंट जो होती है उसमें हम